एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है और काव्यांश वाकर चला रहे हैं। सोफे उठ गए हैं तो बस ये वाकर चला रहे बाहर, और इसको बाहर ही बहुत अच्छा लगता है वाकर चलाने में। रूम के अंदर तो कम अच्छा लगेगा, बाहर उसको मन करता बाहर ही निकाल दो। और ये देखिए निष्ठी और उनकी फ्रेंड का खेल चल रहा है, इन दोनों को खेलते हुए देख के बहुत खुश होता है। ये दोनों चिल्लाते रहते हैं तो ये बहुत खुश हो गए, देखता रह गया इन लोग। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, बस निष्ठी के लिए फ्रूट्स कट करके उसको दे दूँगी तो वो खेलती रहेगी और खाती भी रहेगी। एक्चुअली एप्पल ना छील के खाती है तो छीलना पड़ता है। अभी ये शाम का रात बल्कि रात का टाइम हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं, तो बस मैं किचन में आ गई हूँ और मैं सिंपल से आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी बना के मैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ, और आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं और साथ में पालक का पराठा मैंने बना लिया है। आटा लगा लिया तो पालक का पराठा बना के मैंने पहले ही रख लिया है, क्योंकि काव्यांश अभी क्या है ना, बाहर पापा के साथ घूम रहा है। शाम को आ गए थे 7:15 बजे ये करीब, तो फिर इन्होंने चाय नाश्ता कर लिया, मैंने भी चाय पी ली, तो बस ये बाहर टहला रहा है उसको। तब तक मैं सोच रही हूँ फटाफट पराठे वराठा सेक लेते हैं, तो मैंने सेक के पराठे रख लिए। अब सब्ज़ी बना रही है तो बस सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, तो अब हम सब्ज़ी आलू टमाटर की सब्ज़ी क्या, लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा गर्म मसाला डाल दिया, तो उससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी। आप एक बार ट्राई करिएगा टमाटर आलू की सब्ज़ी में लास्ट में कसूरी मेथी डाली, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं ये मठे के लिए तड़का बना रही हूँ। आज थोड़ा अलग तरीके से मैं तड़का बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा तेल लिया, हींग राई और छोटा प्याज चॉप करके, करी पत्ता और हरी मिर्च, इसका मैं तड़का बना रही हूँ। इस तड़के को मैं मठे में डाल दूँगी। तो अभी गए इस तड़के से मठे का टेस्ट इतना अच्छा आ गया था, बहुत अच्छा लगा था। निश्चय को भी मठा बहुत अच्छा लगा। ये देखिए हमारी प्लेट रेडी हो गई है, मठा आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये पालक का पराठा। पालक का पराठा निष्ठी आराम से खा लेती है, सब्ज़ी में तो थोड़ा सा वो नाटक करती है, बट पराठा आराम से खा लेती है। इसमें मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, ग्रीन वेजिटेबल जो होती है उनका पराठा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और गैस, आपने मेरा कन्या पूजन का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, मैंने लास्ट में आपकी स्क्रीन लगा दी है। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।